हेलो सर, मैं बीबीएस इंटर कॉलेज सुखी बैंक का फिजिक्स का अध्यापक संजय आप सबके बीच पुनः उपस्थित हूँ। आज पुनः मैं क्लास नाइन्थ में अध्यापन के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग क्लास नाइन्थ में जो पिछला एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सरसाइज था हमारा किस पाठ का, पाठ था बल तथा गति के नियम पर आधारित प्रश्नों को लगा रहे थे। सत्र का नाम था, सत्र था हमारा नौ, और उस पाठ का नाम था बल तथा न्यूटन के गति के नियम या गति के नियम पर आधारित। और उस पाठ में हम लोग अभ्यास प्रश्न को लगा रहे थे, 18 प्रश्न लगा चुके थे। 18 के बाद फिर कुछ अतिरिक्त प्रश्न थे, उन अतिरिक्त प्रश्नों को लगाते लगाते हम लोग A1 A2 A3 तक लगा चुके थे। A1 A2 A3 तक लगाने के बाद अब हम लोग A4 यानी इस पाठ का अंतिम प्रश्न लगाने का सिलसिला प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज हम लोग उसी पाठ के क्रम में प्रश्न नंबर जो A4 का था, A4 वाला प्रश्न था NCERT के बुक में पेज नंबर 144, NCERT के बुक में पेज नंबर 144 अतिरिक्त अभ्यास, और वो A4 क्वेश्चन A4 था। तो क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ और उसके बाद हल आपके सामने भी आ जाएगा। प्रश्न इस प्रकार से है, एक 1200 किलोग्राम द्रव्यमान की मोटर कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से एक सरल रेखा के अनुदिश चल रही है। उसका वेग बाहरी असंतुलित बल लगने के कारण 4 सेकंड में घटकर 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। त्वरण और संवेग में परिवर्तन का परिकलन करें और लगने वाले बल के परिमाण का भी परिकलन करें। देखिए जो जो मान इसमें दिए गए उन्हीं मान जो जो मान प्राप्त है, जैसे कि कुछ मान दिया हुआ है कि उसमें यम का मान द्रव्यमान दिया है और बल दिया है और वेग दिए हुए, उन मानों को लिखे जरा सा। लेकिन ये मान को क्या क्या, सबसे पहला मान दिया है द्रव्यमान एम 1200 किलोग्राम, तो यम बराबर लिख देंगे, यम बराबर 1200 किलोग्राम, यम का मान हो गया। प्रारंभिक वेग यू 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। 90 को 5/18 से गुणा कर दीजिए, 18 × 90 ये 25 हो जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकंड यानी 25 मिनट माइनस वन आ जाएगा। फिर वी का मान दिया 18 किलो में घट 4 सेकंड में, तो टी बराबर 4 सेकंड दिया है और उसका वेग 18 किलोमीटर प्रति घंटा से कितना हो जाता है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 × −1। देखो एम का मान पता हो गया 1200 किलोग्राम, यू का मान 90 किलोमीटर प्रति घंटा था, 90 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोगों ने 5/18 से गुणा किया और गुणा करने के बाद 25 × −1 बना गया। समय 4 सेकंड दिया था, टी बराबर 4 सेकंड दिया। वी का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा था, उसको हमने 5/18 से गुणा करके 1/5 बना लिया। सबसे पहले वी बराबर यू प्लस एटी का फार्मूला लगाते हुए वी बराबर यू प्लस एटी के फार्मूले से हम लोग के बराबर कर देंगे v − u/t। v का मान देखिए दिया हुआ है, v बराबर कितना दिया है, 5 दिया है, और u का मान दिया है, u बराबर 25 आया था और t का मान 4 सेकंड था। घटाने पे −d/4 आ जाएगा, काटने पर 5 आ जाएगा, −5 × −2 आ जाएगा। ये तो सरल आ गया। संवेग परिवर्तन भी पूछा है, संवेग परिवर्तन को डेल्टा पी से डिनोट करते हैं, ये mu − mu से निकलेगा। यम कॉमन लेंगे तो v − u हो जाएगा। यम द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान 1200 किलोग्राम सवाल में दिया था, v − u, v का मान 5 था, u का मान 25 था, 25 से घटा लेंगे, ये हो जाएगा 1200
वे माइनस बीस गुणा करने पर माइनस 24,000 और किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा, या इसका संवेग परिवर्तन की दर आ जाएगा। इसके बाद यह बराबर यमे भी निकाल सकते हैं। किसी ने सवाल पूछा था कि यह बराबर यम ए, तो पूछा क्या है कि यम का मान दिया है 1200 किलोग्राम, तो 1200 रख देंगे। ए का मान हमने पहले -5 निकाला था, -5 से गुणा कर देंगे, -6000 न्यूटन आ जाएगा इसका आंसर। इस तरह से यह पाठ यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। यह इस पाठ का अंतिम प्रश्न था। सवाल में पूछा ही था कि बल और संवेग में परिवर्तन का परिकलन करें, तो बल का मान जैसे -6000 न्यूटन आया। कभी कोई पूछ भी लिया कि बताइए कि संवेग परिवर्तन की दर जो धनात्मक 24,000 माइनस में आया है 24,000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, इसका क्या मतलब है? तो धनात्मक चिन्ह संवेग परिवर्तन यह बता रहा है कि संवेग घट रहा है। ऋणात्मक संवेग परिवर्तन की दर का मतलब क्या हुआ? कि संवेग घट रहा है। अगर बल F का मान -6000 न्यूटन आया, तो -6000 न्यूटन का मतलब हो गया कि बल गति का विरोध कर रहा है। ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि बल गति का विरोध कर रहा है। इस प्रकार से यह प्रश्न का हल संपन्न हुआ। कुछ अन्य भी दूसरी किताबों के कुछ अति महत्वपूर्ण आंशिक प्रश्न हैं, उनको भी लगवा देते हैं और उसके बाद से हम लोग अगले लेसन पर करेंगे। कुछ अन्य प्रश्नों में इस प्रकार से है, मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करूंगा। मैंने यह भी लिखा है कि अन्य बुक के आंशिक प्रश्न, अन्य बुक के कुछ महत्वपूर्ण आंशिक प्रश्न है, सवाल है, उनको भी मैं आपके सामने लगवाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रश्न इस प्रकार से है कि किसी 50 ग्राम की वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें उत्पन्न त्वरण की गणना करें। देखिए सवाल में 50 ग्राम दिया, इसका हल देखिए 50 ग्राम दिया है, तो यम का मान इसका हल क्वेश्चन नंबर 2 है, यम बराबर 50 ग्राम दिया हुआ सवाल में। इसका दिया है यम बराबर 50 ग्राम दिया है, ग्राम को किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से भाग देंगे, केजी में आ जाएगा। और उसके बाद यह समान 1 न्यूटन दिया है, यह बराबर 1 न्यूटन त्वरण निकालना है, सूत्र ए बराबर यफ अपान एम हो जाएगा, और यहाँ से यफ अपान एम हो जाएगा, ए निकालना पड़ेगा। तो यफ का मान जैसे कितना दिया है, यफ बराबर 1 दिया है, एम का मान कितना है 50/1000, यही भाग ऊपर चला जाएगा तो 1000 ऊपर आ जाएगा, बटे 50 हो जाएगा, भाग दे देंगे बराबर 20 ms-2 आ जाएगा। कितना जाएगा? यम का मान 50 ग्राम था, देखिए यम का मान कितना 50 ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से भाग दिए हैं, बल यम का मान 1 न्यूटन दिया था, त्वरण ए पूछा था, ए बराबर यह अपान यम लगाए हैं और यम का मान नीचे 50/1000 रखते हैं, जहाँ 1000 लिखा है और ये 1000 को ऊपर नहीं जाएंगे तो यहाँ तो ऊपर 50 से काट देंगे, 20 बार जाएगा और त्वरण ए का मान 20 ms-2 आ जाएगा। थैंक यू। हाँ कह रहे दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि देखिए हम लोगों ने इस पाठ का लगभग समाप्ति कर दिया है। इस पाठ में हम लोगों के पास जो है 18 प्रश्न थे और 18 प्रश्नों के बाद इसमें कुछ अतिरिक्त प्रश्न थे, अतिरिक्त अभ्यास के रूप में A1, A2, A3, A4 और उसके बाद यह पाठ समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग अध्याय गुरुत्वाकर्षण पर चलेंगे, जो कि अध्याय 10 है, और उसके बाद हम लोग गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को अच्छे ढंग से फिर से पढ़ेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण पढ़ने से पहले मैंने ये सोचा कि कुछ अन्य किताबों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी आपके पास तक पहुँचा दूँ सॉल्व करके। कुछ प्रश्न मैंने नोट में लिखे हैं और उसके बाद भी यदि आपको किसी भी बुक का प्रश्न मिलता है तो वो मुझे मेरे नंबर पर अलग से आप नोट करके
मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए और हम आपको सभी बच्चों को जो भी पूछना चाहता है उसको अलग से अपने नंबर पर भेज करके मुझे पूछिए और मैं आपको जरूर बताऊंगा। बशर्ते आपको आना चाहिए, अपनी ही किताब को पढ़े, दूसरी किताब किसी भी राइटर की बुक हो, स्कूल ने राजीव प्रकाशन प्रोवाइड किया है, सब सिलेबस वही है, सिलेबस एनसीईआरटी से बेस्ड है। तो इसलिए अब हम लोग आपके एक दूसरी राजीव प्रकाशन का ही किताब का प्रश्न है और इसको हम लोग भी सॉल्व करें। प्रश्न ये है कि 25 किलोग्राम द्रव्यमान के स्थिर पिंड पर, तो 25 किलोग्राम द्रव्यमान का है तो यम बराबर 25 किलोग्राम हो गया। एक यह है 200 न्यूटन का बल, 200 न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक होता है, जैसे कैसे समझे कि यम है ये, भाई कोई पूछा बताओ कि ये किलोग्राम कैसे यम समझ गए 25 यम है, तो आपके आपका जवाब क्या होगा कि क्योंकि 25 के आगे जो किलोग्राम मिलता है वह किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, इसलिए यह यम का मात्रक हुआ, तो यम का मान हुआ 25 किलोग्राम। अब यहाँ पर दूसरा दिया 200 न्यूटन दिया है तो यह बराबर 200 न्यूटन, बल यह कितना हो गया 200 न्यूटन हो गया, न्यूटन जिस गिनती के आगे लिखा है वो यह है, जिस गिनती के आगे किलोग्राम लिखा है वो आप समझिए कि यम है, जिस गिनती के आगे न्यूटन लिखा है ये समझिए कि यह बल यह है। विरामावस्था शब्द लिख दिया, किसी भी सवाल में विरामावस्था शब्द लिख दिया तो आप समझ जाइए प्रारंभिक वेग U का मान शून्य होगा, तो प्रारंभिक वेग U बराबर शून्य हो गया। 64 मीटर चलने में मीटर दिशा यह दूरी, ये 64 मीटर यह हो गया, कितना समय लेगी की पूछा है। देखो पहले यह बराबर यम ए से हम लोग के निकाल लें, सूत्र के बराबर यह अपान यम हो जाएगा। यह का मान कितना दिया है, यह बराबर दिया है देखिए 200 और यम का मान कितना दिया है 25, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 8 बार गया 8 एल एस माइनस 2 जो आ गया त्वरण, त्वरण का मान है देखिये यफ और यम की मदद से हम लोग ए प्राप्त कर लिए, त्वरण प्राप्त कर लिए, त्वरण का मान कितना है 8 एल एस माइनस 2। उसके बाद हमको समय चाहिए, तो समय के लिए सूत्र लगाया यफ बराबर यू टी प्लस हाफ टू टी स्क्वायर, ये सूत्र लगाया। यफ का मान देखिए 64 दिया था, यू का मान 0 है विरामावस्था के कारण, टी का मान नहीं पता, ए बटा 2 और ए का मान कितना है, ए बराबर ए का मान कहा गया, ए का मान 8 निकालो है और टी स्क्वायर नहीं पता। ठीक, अब देखिए 64 बराबर ये 2 से 8 का लीजिए 4 बार में जाएगा तो 4 टी स्क्वायर आएगा, तो 30 बराबर 64 बटे 4 16 से काट दीजिए तो 30 बराबर कितना आया, 30 बराबर 16, तो स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा, तो ये 4 सेकंड आ जाएगा इसका आंसर, कितना होगा 4 सेकंड, यह समान हो जाएगा, टी का मान आ जाएगा। समय पूछा था क्योंकि सवाल ये था कि 25 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 225 किलोग्राम का मतलब यम का मान 25 किलोग्राम, फिर सवाल ने दिया 200 न्यूटन का बल तो यम का मान 200 न्यूटन, विरामावस्था लिखा तो यू का मान 0 हो गया, 64 मीटर चलने में तो यम का मान 64 मीटर हो गया, दूरी हो गया, फिर कितना समय लेता है टी का मान पूछा है, पहले यह बराबर यमी की मदद से ए बराबर यह अपान यम लगाए और यश का मान देखिए 200 दिया था और यम का मान 25 रखे, 25 भाग दिए 8 बार दिए 8 एल एस माइनस 2, फिर गति का गति समीकरण का प्रयोग करते हुए यश बराबर यू टी प्लस हाफ टू टी स्क्वायर लगाए
यस का मान 64 यू का मान 0 टी का मान नहीं पता ए बटा 2 का रे ए का मान 8 यहां से 8 वाला अब 30 का नहीं पता 64 बराबर ये खतरे होगा 2 से 8 होगा 4 42 तो 30 का बराबर 4 भाग लगेगा 64 बटे 4 16 भाग लगेगा 1664 30 का बराबर 16 इस बार हटाएंगे रूट लग जाएगा 16 पर रूट कर जाएगा 4 आ जाएगा इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जरूर देखेंगे गुरुत्वाकर्षण चक्र पर चलेंगे कहाँ चलेंगे गुरुत्वाकर्षण पर आ जाएंगे और गुरुत्वाकर्षण पाठ का अध्ययन हम लोग करेंगे। थैंक यू।